बाडरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर घसोला जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। घसोला ने गुरुवार को बाडरा हलके के कई गांवों का दौरा किया। घसोला का कहना है कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। विरोधियों को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी दूसरे हलके का है और बीजेपी का प्रत्याशी गुरुग्राम में रहता है। ऐसे में बाडरा की जनता ने सोमवीर घसोला पर भरोसा जताया है, जिसके कारण एक तरफा माहौल बन गया। बाडरा विधानसभा के झोजू गांव में कार्यक्रम के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर घसोला का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। कई गांव की पंचायत ने सोमवीर घसोला को समर्थन का भरोसा दिया है। वहीं सोमवीर ने कहा कि विधायक बनने पर वो क्षेत्र के विकास कार्यों की झड़ी लगाएंगे। पूर्व में रहे विधायक विकास कार्य नहीं करवाने का खमियाजा भुगत रहे हैं। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, जनता बाहरी प्रत्याशी को कबूल नहीं करेगी। इस दौरान सोमवीर घसोला अपनी जीत का दावा करते नजर आए। समर्थन तो समर्थन में और जो प्यार में इतना तो बार डर के आज हमें प्यार मिल रहा है। शायद मैं सोचता हूँ जिंदगी में किसी नेता को नहीं मिला होगा, चाहे कोई कितना बड़ा नेता बना हो, लेकिन जो हमें प्यार मिल रहा है आज पूरे हलके में, इतना बड़ा प्यार आज तक बार डर की थी ऐसा मतलब किसी को मिला नहीं। सारी ही पर प्राथमिकता है, क्योंकि कोई काम थोड़ी हो रहा है बार डर भाई। सबसे पहले आप चाहे अपराध का लगाओ, देखो अपराध तो अगर नहीं रुकेगा तो काम कैसे चलेगा। शांति सबसे पहले शांति, फिर शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आपके किसानों की समस्या है, तो बुजुर्गों का है, जो काम तो बहुत है करने वाले से ही है ना, लेकिन काम तो किसी ने किया ही नहीं ना यहाँ पर। बहुत ज्यादा काम है भाई भाई, मैं तो किसी से मानू ही कोई, मेरे ख्याल में ये दोनों ये दो और खड़े हैं भाई, ये तो सारा नीचे एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुकाबला मुझे लगता है जो बाढ़ आ गई जनता और जो प्यार और सम्मान दिया है, और ये इसमें एक कारण और मानता हूँ, ये अकेला मेरा वो नहीं है, लेकिन लोगों के भी दिमाग में ये जो होने ये हो गया कि बाढ़ डाल की स्वाभिमान की लड़ाई है, बाढ़ डाल का स्वाभिमान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, उससे ज्यादा प्यार हमें मिला हुआ है।